गुड मॉर्निंग एवरीवन मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम. आई एम फाइन मैम. एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा. आप लोगों को पिछले सेशन में जो स्टोरी पढ़ाई गई थी नए मेहमान, यस मैम, उस पे जो है प्रश्न का भी डिस्कस हुआ था, आगे क्या करना है, चलिए उस पर हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं. सबसे पहले आप लोग देखिए हमें करना क्या है. ठीक है, बेटा सभी लोगों को बुक दिखने लगी? यस मैम. यस मैम. क्वेश्चन कहा गया था आप लोगों से करने के लिए, आप लोगों ने किया इसको? पिछले सेशन में हम समझाए थे आप लोगों को. हाँ, और फिर संज्ञा के बारे में जो पढ़ाना था इसको भी हमने पढ़ा दिया था. यानी बुक एक का हमने सारा कंप्लीट कर दिया है. देखिए पढ़ाए थे ना इसको पिछले सेशन में? हाँ मैम. इसको भी हमने कहा था नोटबुक में आप लोग लिखने के लिए, इसको भी हमने पिछले सेशन सारा बता दिया था. आप लोगों ने लिखा? देखिए आप लोग का भी जो काम मिले उसको आपको पर डे करना है. नई बुक है तो वीडियो आप देख सकते हो ना, उसमें तो आप देख के कर सकते हो. रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाता है आपके पास मोबाइल पे, तो आप उस वर्क को वहां अपने वीडियो में देख के कर सकते हो. वैसे नहीं करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना. बुक ए कंप्लीट हो चुका है, अब बुक बी में आपको करना है. पढ़ाई के साथ साथ हमें होमवर्क भी तो कंप्लीट करना है. हम पढ़ाते रहे आप लोग, होमवर्क ना कंप्लीट करो तो कैसे काम चलेगा. चलिए बुक बी आज हम चैप्टर ओपन कर रहे हैं. बुक बी का है नया मेहमान. ठीक है, कहानी दोहराई. देखिए ध्यान से सुनिएगा. माँ और पिताजी दोस्तों और रिश्तेदारों से किस बात की बधाई ले रहे थे? अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो नोटबुक में इस क्वेश्चन को राइट कर लेंगे, इसका आंसर आपको करके देना रहेगा. संजना ध्यान से सुन रही हो? यस मैम. अब इसका आंसर दीजिए. संजना, माँ और पिताजी दोस्तों रिश्तेदारों से किस बात की बधाई ले रहे हो? बरखा हैंड शो कर रही है. श्री बरखा आप ही बताइए. माँ और पिताजी दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बात की बधाई दे रहे थे क्योंकि रोनी को बच्चा हुआ था. वह उनको उनका पालतू. उनकी पालतू कुतिया रोनी को बच्चा हुआ था, उसी बच्चे होने की जो है बधाई ले रहे थे वो, है ना. चलिए दूसरा क्वेश्चन है. संजना बताएंगे सन्नी कुमार और रोनी कौन थे? हम फर्स्ट चैप्टर नहीं रीड किए. हम पढ़ाए थे तो आप क्लास नहीं ली थी? नो मैम. कैसे कैसे काम चलेगा? शिवानंद चौधरी आप बताइए संदीप कुमार रोनी कौन थे? दोस्त थे. बेटा आपकी आवाज कट रही है, ठीक से माइक के पास से बोलिए. सनी कुमार रोनी के गुरु दोस्त थे. गुरु भी थे और दोस्त भी थे, और रोनी उनकी पालतू
कुटिया थी है ना। चलिए बेटा आस्था बताएंगे, बैंक में सन्नी कुमार की मुलाकात किन महाशय से हुई? मैम हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं रीड किया है। तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बुक नहीं ली हो बेटा? नो मैम। तो बुक ले लीजिए, कैसे काम होगा? शिवांगी, शिवांगी, मुस्कान, शिवांगी, मुस्कान, वीडियो ऑन रखिए बेटा। कौन बताएगा? शिवान्या या बरखा? अरे बैंक में सन्नी कुमार की मुलाकात उनके पापा के दोस्त अंकल से हुई थी ना। हाँ बेटा, पापा के दोस्त अंकल से हुई थी। बैंक में सनी कुमार की मुलाकात हाथ में डायरी ले एक मैनेजर से हुई थी। मैनेजर जो कि उनके पापा के दोस्त थे। उस मुलाकात का क्या परिणाम हुआ? हाँ बेटा, क्या पढ़ा बॉस लगाते हैं? बरखा, माइक में जो उनके दोस्त मिले थे, उनके पिता के दोस्त मैनेजर, उस मुलाकात से उनका क्या क्या परिणाम हुआ था? उन्होंने क्या कहा था जब मुलाकात हुई थी सन्नी कुमार से? तो सन्नी कुमार से घर का हाल चाल पूछा था, तो सन्नी कुमार ने उन्हें अपने घर पे नए मेहमान आने की जो है खबर सुना दी थी, और जिसके फलस्वरूप वे मिठाई की पार्टी लेने की जिद कर बैठे थे, घर तक पहुंच गए थे। ये तो हुआ था। हाँ हाँ, नए मेहमान से मिलने पर पिताजी के दोस्त की क्या प्रतिक्रिया रही? बताइए बेटा, कोई क्या हुआ था जब दोस्त अंकल पहुंचे थे, मेहमान उनकी गोदी में आया था, तो क्या प्रतिक्रिया हुई थी? वही चीज यहाँ बताना है। बरखा, नए मेहमान से मिलकर पिताजी के दोस्त को यह प्रतिक्रिया जैसे लेते हैं तो उसका तौलिया ढीला हो जाता है, तो उसका पैर गुदगुद होने लगता है और वह नीचे उतर जाता है और अंकल चौंक कर उठ खड़े होते हैं, उसको फेंक कर खड़े हो जाते हैं है ना, यानी वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं।
चलिए बेटा आप लोग आगे का पेज देखेंगे, इसमें आप लोगों को क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए जो भी लोग हो, और बुक ले लीजिए तभी आपका काम आगे बढ़ पाएगा। बिना बुक के कैसे आप लोगों की पढ़ाई हो पाएगी? स्टोरी हमने पढ़ा दिया, प्रश्न हम बता रहे हैं, जब तक आप लोग के पास किताब नहीं होगी कैसे करोगे इसको? यहाँ पर देखिए आपको करना क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, नया मेहमान कहानी को चित्र कथा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो जो आप बुक ए में चित्र देख रहे हो उस पाठ से संबंधित चित्र है ना, हम आपको एक बार दिखा रहे हैं बुक ए। उसको कथा के रूप में आपको सामने लाना है। आपने चित्र कथा पढ़ा होगा ना, चित्र दिया होता है और फिर इसमें शब्द दिए होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में चित्र कथा, देखिए नया मेहमान है ना। यहाँ पे देखिए अब आपका एक चित्र आया, यहाँ देख रहे हो चित्र। अब ऐसे आपको चित्र दिखा के यहाँ पे कुछ शब्द, चित्र कथा में आपको चित्र भी दिया होता है, यहाँ उस चित्र के बारे में थोड़ा सी कहानी दी होती है। जैसे यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, सन्नी कुमार है, बच्चे को खिला रहे हैं, या आप रोनी है, हिरन रोनी की जो है प्यारी प्यारा बच्चा ब्राउनी है ना। तो यहाँ पे इस चित्र कथा को अगर हम कथा के रूप में लेना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेस करके लिखेंगे, वाह क्या सुंदर बच्चा है ना। यहाँ इसको कहते हुए यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ दिखाएंगे कि सन्नी कुमार कह रहा है, उस बच्चे को गोद में लेते हुए कह रहा है, वाह क्या सुंदर बच्चा है, बिल्कुल अपने माँ पे गई है। ब्राउनी कहीं ब्राउनी भूरे रंग की थी, उसके बच्चा भी भूरे रंग का था ना, उसी पे कहा गया है। ठीक है, तो हमें इस चित्र को उस पेज पर जो आपके बुक भी में आपने पेज देखा वैसी पेज पर इसको दर्शाना होगा। कहानी को चित्र कथा में प्रदर्शित कीजिए ही तो लिखा है, तो आपको ऐसे ही अपने पेंसिल से चित्र बनाने होंगे और फिर यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हो हम, जो हम लाल एरो से आपको दिखा रहे हैं इस जगह को खाली स्पेस करके यहाँ पे वही वाक्य लिखना होगा जो हमने कहा है। आ गई समझ में? यस मैम। यस मैम। यह सभी संभव होगा जब आपके पास किताबें होंगी। दूसरा पेज पे आपको एक चित्र दिखाना होगा है ना, यहाँ पे बैंक के सन्नी कुमार बैंक पहुंचा है, बैंक के जो मैनेजर अंकल इनको मिले हैं वे उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं है ना। तो आपको यह चित्र प्रदर्शित करके, कोई जरूरी नहीं है चित्र आपका हूबहू ऐसे ही बने, थोड़ा बहुत तो आप बना के पूरा ना बनाएंगे तो इतना ही बना देंगे, चित्र छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या हाल चाल है बेटे, घर पे सभी ठीक तो है, कोई नया खबर, अंकल ने तो पूछा था यही चीजें। तो आप इसको यहाँ पर लिख के प्रदर्शित कर देंगे पेज में, आपका एक कथा बन गया। दूसरा आप चित्र लेंगे, यहाँ देख रहे हो इनका चित्र लिए, आपको पूरा बैंक तो दिखाना ही है। हाँ आमने सामने पिताजी और सन्नी का एवं अंकल जी का, इनका चित्र पेंसिल से बना लेना है चेहरा मेरा किसी तरह से, और फिर आपको यहाँ दिखाना होगा बधाई हो है ना, नहीं बधाई नहीं, यहाँ आपको बैंक में उन्होंने कहा था आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, बधाई और राणा जी आप तो छुपे रुस्तम निकले, ये तो कहा था ना अंकल ने उनके पापा से,
कि भूखे में होगा, देख लीजिएगा। यह चीज कहा था, यहाँ पे आपको यही लिख देना है। अभी इस चित्र को आप लीजिए, इस चित्र को बनाएंगे जब, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये चित्र तब का है जब सन्नी कुमार के घर पर बैंक मैनेजर पहुंचते हैं अंदर ले जाने के लिए होता है। तो यहाँ पर सनी कुमार कहते हैं, आइए अंकल जी, आइए आइए, आपका घर में स्वागत है ना। तो आपको यहाँ एक चीज दिखाना होगा, अंतिम चित्र है, देख रही हो, सभी लोग हंसते हैं, है ना। तो आपको इस चित्र को आप बनाना कठिन होगा, इसलिए आप इस चित्र को छोड़ देंगे, ठीक है। यही आपको यहाँ बनाना होगा चित्र कथा में, चित्रों को बनाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसमें कुछ न कुछ वाक्य राइट करेंगे। यहाँ पेज दिया गया है, एक पेज पेज चित्र बनाना है, तो शुरुआत में आप शुरुआत के चित्र लेंगे, फिर यहाँ छोटा छोटा पेज दिया गया है, इसमें दो और चित्र ले लेंगे थोड़ा थोड़ा, यहाँ दो पेज दिया गया है यहाँ, है ना। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके चित्र ले लेकर और वाक्य लिखने हैं, यस मैम, से संबंधित वाक्य लिखने हैं, तो आपका कथा हो जाएगा। दो चित्र यहाँ, दो में दो चित्र यहाँ हो गया, और एक चित्र ये हो गया। छोटा छोटा करके आपको बनाना है, सब में कोई ना कोई चित्र होगा, सीरियल से कथा कहानी की जो शुरुआत हुई है उसी से आधारित इस पेज पे आपको चित्र बनाना है और कथा लिखना है। कथा की शुरुआत यहाँ करेंगे, उसके बाद कुछ अंश यहाँ होगा, कुछ अंश यहाँ होगा, थोड़ा थोड़ा करके चित्र भी आप बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन का कहानी भी, चित्र कथा भी लिखते हैं। आपको समझ में आ गया ना ये आला कैसे करना है? राजपाल, हाँ यस मैम, किताबें हैं किसी के पास? यस मैम, इसमें भी वही चीज दिखाना है आपको, यहाँ देखिए चित्र समीक्षा करना है, यहाँ चित्र दिया गया है, इस चित्रों की समीक्षा करना है, दे गए चित्रों को देखकर बताएं कि किसी का मजाक बनाना या मजाक बनने देखना सही है या गलत, दोनों के पक्ष और विपक्ष में दो दो पंक्तियां लिखें, अगर सही है तो पक्ष में यहाँ तक लिखना है, सही हो पक्ष में आपको अपना तर्क देना है दो लाइन में, पहले इस पिक्चर को देखना है, ये पक्ष वाला तर्क है, ये विपक्ष वाला तर्क है, तो ये नहीं करना है कि आपको एक ही तर्क देना है, आपको पक्ष में भी तर्क देना है दो पंक्तियों का, और विपक्ष में ही भी तर्क देना है, दोनों में तर्क देकर लिखना है। जैसे हम इस चित्र को देखे, देख रहे हो यहाँ पर नए मेहमान के बारे में बताना है, है ना, नए मेहमान के बारे में बताया गया है, आपके घर पक्ष में बड़ी खुशी की बात है, आपके घर नया मेहमान आया है, यदि घर पे नए मेहमान आने की जो है कल्पना सभी लोग करते हैं ना, हाँ यस मैम, हाँ, तो आपको यहाँ पक्ष में तर्क देना है कि नए मेहमान घर पे अगर बच्चा आता है तो सबको बहुत खुशी होती है ना, बच्चे आने की घर में सबको खुशी होती है, हर घर में, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो,
सभी लोग खुश होते हैं बच्चे के आने पर, तो आपको यहाँ यहाँ पर पक्ष में वही तर्क देना है कि बच्चे की आने की खुशी सबको होती है, विपक्ष में आपको यहाँ रखना है कि झूठा मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी के घर घर पे बच्चे आने का, झूठा मजाक नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है उसके यहाँ बच्चे ना हो तो अगर कोई झूठी खबर देगा तो उसको दुख होगा ना, हमें उस मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए ऐसी झूठी खबर देकर, ठीक है? समझ yes, में पक्ष में आप तर्क लिखो रखोगी कि बच्चे आने की खुशी सबको होती है, इसलिए हमें सबको बताना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आने वाला है, किसी घर में कोई बच्चा आया है, नया मेहमान आया है। और विपक्ष में आप लिखेंगी किसी के यहाँ झूठे बच्चे आने का जो है झूठी खबर नहीं देना चाहिए, हो सकता है उसको उस खबर से दुख पहुंचे, है ना, तो इसलिए हमें झूठी खबर नहीं देना चाहिए। दूसरा हो गया, आपको यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है, इसमें आपको बच्चा दिखना है, यहाँ खबर दिख रहा है, दोनों अंकल यहाँ खबर दे रहे हैं, ये झूठी तो खबर हुई, अंकल जी मजाक बन गए, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको बच्चा दिख रहा है, बच्चा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको सामने प्लेट में मिठाई दिख रही है, ये महोदय मिठाई की मांग कर रहे हैं, ये अंकल ये सन्नी है और सन्नी के पापा हैं, है ना, और ये बैंक वाले अंकल जी हैं, चित्र में देख रहे हैं सभी लोग, तो चित्र वाले अंकल जी मिठाई की दावत मांग रहे हैं। अब आपको इसके पक्ष में तर्क देना है, या पक्ष में देना है तो विपक्ष में, तो आपको यहाँ पक्ष में तर्क देना है, बच्चे आने की खुशी में सभी लोग मिठाई की दावत मांगते हैं, है ना, सभी लोग मिठाई की दावत देते हैं ना, मिठाई खिलाते हैं, उनको अंदर खुशी रहती है। लेकिन विपक्ष में तर्क रखेंगे कि हमें किसी से मिठाई की दावत नहीं मांगनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, कोई अपनी खुशी से मिठाई खिला रहा है बच्चे में तो उसे हम स्वीकार कर लें, अगर बच्चे होने की खुशी में कोई मिठाई हमें खिला रहा है तो अच्छी बात है, पक्ष में इसको रखेंगे। लेकिन विपक्ष में हम क्या रखेंगे, किसी व्यक्ति से बच्चे आने की खुशी में मिठाई मांगना गलत है, हो सकता है उस व्यक्ति के पास इतना पैसे ना हो तो मिठाई की दावत ना दे पाए तो उसको कष्ट होगा ना, हाँ yes, ma'am. तो हमें उससे को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, किसी से जबरदस्ती मिठाई की दावत मांगकर हमें उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, आए समझ में? yes, ma'am. अब यहाँ आपको चित्र देख रहा है, चित्र में मजाक बनाया गया है ना अंकल जी का, हाँ yes, ma'am. हाँ तो पक्ष में हम रखेंगे कि हमें जीवन में कभी कभी हंसना मजाक करना चाहिए, है ना। लेकिन विपक्ष में हम तर्क रखेंगे कि हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे, ठीक है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें मजाक करना चाहिए, पक्ष में हम तर्क रखेंगे कि हमें मजाक करना चाहिए, हंसने के लिए मजाक करना चाहिए। लेकिन विपक्ष में रखेंगे हमें किसी का मजाक बनाना नहीं चाहिए, मजाक करके हम हंस लिए वो अलग बात है, लेकिन हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, आई बात समझ में? yes, ma'am. जी का मजाक बनाया गया है ना,
ये चीज गलत है, हमें किसी व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी बात पे मजाक करके हंसते अलग बात है, लेकिन किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अभी अंकल जी इतने तेज उछले, बाय द वे वो गिर पड़े, उनका पैर टूट जाए, तब क्या हो? तो क्या एक अच्छी बात है? नो मैम। इसलिए नो मैम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आपको यही चीज यहाँ लिखना है। तीन चित्र है, तीनों चित्र में आपके देखना है, उसके पक्ष में जो बताए हम उसको पक्ष में रखेंगे, आप लोग जो हमने विपक्ष में बताया उसको आप विपक्ष में लिखेंगे, ठीक है? अनुच्छेद लेखन, आप लोगों ने ग्रामर की बुक में पढ़ा होगा, अनुच्छेद लिखना भी सीखा है, किसी विषय पर अनुच्छेद लिखना, जैसे काश में बच्ची होता, या चंद्रमा पे पहुंच जाता, या फिर मैं वृक्ष होता, या मैं मोर होती, ऐसे अनुच्छेद, मेरी बरसात का एक दिन, मेरी प्यारी माँ, है ना, बहुत विषयों पर आपने अनुच्छेद लिखा है ना। ऐसे ही एक विषय यहाँ दिया गया है, हास सर्वोत्तम औषधि है। हास का मतलब होता है हंसी, सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, औषध का मतलब होता है दवा है, तो हंसना सबसे अच्छी दवा है। इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। मुस्कान, यस मैम, समझ में आ रहा बेटा? अनुच्छेद में क्या आपको लिखना है? यस मैम। हाँ, कुछ शब्द आप बता पाओगी बेटा? हंसना सबसे स्वास्थ्य के लिए लाभ है, इसको सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं हाँ सर्वोत्तम औषधि है, हंसना सबसे अच्छी दवा है। रोगी को जितना हम खुश रखेंगे वह रोगी उतना ही अच्छे जल्दी सही होगा, सभी लोग इसको मानते हैं ना। तो हम उस विषय पर अनुच्छेद क्यों नहीं लिख सकते हैं? अर्थात लिख सकते हैं। तो चलिए आप अपने अपने शब्दों को, आपके मन में जो भाव होंगे इस अनुच्छेद को लेकर, उस भाव को व्यक्त कीजिए, सभी के भाव मिलकर अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। सबके मन में कुछ विचार होंगे, उन्हीं विचारों से अनुच्छेद लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आस्था, आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिए इस विषय पर। बताइए बेटा, माइक ऑन कीजिए। मैम समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग माइक पर ऑन कीजिए। आप लोगों ने अपने घर पे, आप लोग अभी इतने बड़े हुए हो, कभी ना कभी तो आप लोग किसी न किसी से सुना होगा कि हमारा सेहत के लिए हंसना जो है लाभदायक होता है। सुना है नहीं सुना? यस मैम, हंसना चाहिए, हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। रोगी को हमें खुश रखना चाहिए, जितना हम उसको खुश रखेंगे उतना ही जल्दी वो ठीक होगा। ऐसी चीजें हमने अपने घर पे अगल बगल कहीं ना कहीं ये शब्द हमने सुने हैं, हमारे कानों में ये शब्द पड़े हैं, है कि नहीं? Yes, ma'am. तो ऐसा क्यों कहा गया है? आपके मन में इसके प्रति कुछ विचार होंगे? जिसे हमने हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, हास सबसे सर्वोत्तम औषध है, क्योंकि हंसना हमारे सेहत के लिए लाभदायक होता है। हमारे रोज के दैनिक जीवन में बहुत सारे काम होते हैं जिसको करते करते हम थक जाते हैं, तो अगर हम इन थकावट को दूर करना हो तो हमें हंसना चाहिए। कोई चुटकुला हो, कोई ऐसे शब्द हो जो हमारे हमसे कोई कहे जिसको सुनकर हमारे अंदर हंसी आए, हम खूब हंस ले, इससे क्या होता है हमारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है, हमारी थकावट दूर हो जाती है, हमारे अंदर नई
ताजगी आ जाती है, फुर्ती आ जाती है जब हम कुछ पल के लिए हंस लेते हैं, है ना। तो हमें अपने जीवन के जो है दुखों को भूलकर कुछ पल हंसने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की निरस्ता जो है वह दूर हो सके, हमारे अंदर ताजगी आ सके। इसलिए हमें हंसना चाहिए। हंसना एक दवा का काम करता है। जब हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे के झुर्रियां दूर हो जाती हैं, उस पल के लिए मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, त्वचा की, इससे हमारा त्वचा की झुर्रियां दूर हो जाती है। जब हमारी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं तो झुर्रियां अपने आप दूर हो जाती है, तो हमें नई ताजगी महसूस होने लगता है। इसलिए भी हमें हंसना चाहिए। और रोगी, अगर कोई रोगी व्यक्ति है उसको तो हम जल्दी स्वस्थ करना चाहे तो उसे हमें प्रसन्न रखना होता है, इससे वह जल्दी जो है उसका रोग जल्दी दूर होता है, वह जल्दी स्वस्थ होता है। यही सब कारण है। जिन कारणों को देखते हुए हम मानते हैं, हम कहते हैं कि हास्य सर्वोत्तम औषध है। ठीक है, ये सब चीजों को हमें यहाँ लिखना है, अपने भाषा में पिरोना है, शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर अनुच्छेद को पूरा पेज कंप्लीट करना है, हर लाइन को कंप्लीट करना है। अब आप लोग कर पाएंगे ना इस चीज को? हाँ बेटा, मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। आपकी वॉइस कट कट के आ रही है, क्या रही है? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए बेटा, संजना समझ में आया बेटा आपको? हाँ यस मैम। तो आप लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे, पहले आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है? अभी आपके पास बुक नहीं है तो इस प्रश्न को आप अपने नोटबुक पे राइट करेंगे, सोच सोच के लिखेंगे उसको, ठीक है? लिख कर हमें भेजेंगे। है ना, आप देखें व्याकरण अभ्यास है आपका, बुक भी हम समझा दे रहे हैं, जब आप बुक लीजिएगा तब कंप्लीट कीजिएगा, नहीं इसको तो आप लोग अपने नोटबुक पर भी लिख सकते हैं इसको तो, है ना बेटा? ये क्वेश्चन आज नोटबुक पे आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप नोटबुक पे लिख के भेजेंगे, जिसके पास बुक है बुक पे लिख के भेजेगा, यही तो नोटबुक पे लिखेगा आज। हाँ, आज के लिए व्याकरण अभ्यास देखिए बेटा, आप लोग बुक ए में आपको बताया भी गया है, वैसे भी आप संज्ञा के भेद के बारे में अलग से भी आपको पढ़ाया है, वही चीज यहाँ पूछा गया है। दिए गए रंगीन शब्द किस संज्ञा भेद के उदाहरण है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाए। या जो रंगीन दिख रहा है आपको ना, पहला नंबर का नए मेहमान के आने से सब बहुत खुश हुए, यहाँ खुश शब्द आप लोग देख रहे हो, या भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक, उस पर आपको टिक करना है सामने। क्या भाववाचक, भाववाचक, तो आपको किस पे टिक करना है? भाववाचक। ऐसे ही नंबर था है, पिताजी बाजार खुद जाकर कलाकंद लाए, तो पिताजी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातवाचक? जातवाचक पर टिक करेंगे। ऐसे ही नंबर गा है, सन्नी नए मेहमान के लिए दूध की बोतल लेने गया, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। वेरी गुड, द्रव्यवाचक पे आप टिक करेंगे। कल शनिवार है, तो शनिवार व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? जातिवाचक। क्यों? जातिवाचक संज्ञा। नो बेटा, जात नहीं है, शनिवार, वार का मतलब दिन होता है, शनिवाचक नाम दिया गया ना, दिन का नाम है शनिवार ना, आज के दिन का नाम है शुक्रवार, कल के दिन का नाम रहेगा शनिवार, तो शनिवार जब हमने उसको नाम दे दिया है तो वाचक बन गया है। अगर हम दिन का, तो दिन आपका
जातिवाचक रहता है, लेकिन जब हम शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार कह रहे हैं तो हर दिन का हम नामकरण कर दिए हैं ना, तो जब नाम आ गया तो शनिवार आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आई समझ में? यस मैम। अंगा yes, बाहर भीड़ कैसी है? यस मैम। वाचक या जातिवाचक? समूहवाचक। क्योंकि लोगों का समूह है तभी तो हम भीड़ कह रहे हैं, तो भीड़ आपका समूहवाचक है। ऐसे ही आपका ये वाला चेक पेज है व्याकरण अभ्यास, आपने बुक ए में आप लिखा था वही चीज यहाँ आपको बुक बी में भी उसी हिसाब से करना है। भाववाचक संज्ञा बना के लिखना है, भाववाचक संज्ञा शब्दों से जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम आच्छाद कर लिखो। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा दिया गया है आपको, यहाँ उसका उचित संज्ञा शब्द लिखना है। सर्वनाम है तो सर्वनाम लिखना है, संज्ञा जैसे मित्रता भाववाचक संज्ञा है तो इसका संज्ञा क्या होगा? मित्र है ना, मित्रता मित्र से, शिक्षा शिक्षक से, मनुष्यता मनुष्य से, भाईचारा भाई से, बुढ़ापा बुढ़ा बूढ़ा है तो बुढ़ापा है उसके अंदर है ना, पराया है तो परायापन, अहम है तो अहंकार, सर्व है तो सर्वस्व, ऐसे ऐसे आपको लिखना है शब्दों को। समझ में आ रहा है आस्था? यस मैम। हाँ, बाना से बहाव, हरा से हरियाली, चतुर से चतुराई, चौड़ा से चौड़ाई, अपना से अपनापन, निज से निजता, आलस आलसी से आलस्य है ना, हंसना से हंसी, बहना से बहाव, खेलना से खेल, कूदना से कूद, चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लिखावट, ये सारे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए हैं, इसको लिखकर कंप्लीट करना है। चलो बेटा, आज के सेशन में जो कुछ पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। मैम। हाँ बेटा। मैम ये सारा भेजना? सारा कैसे आप भेजेंगे, सारा बुक है आपके पास? हाँ? यस मैम। तो सारा एक दिन नहीं भेजेंगे, एक एक करके एक दिन भेजेंगे, अगर बुक है आपके पास तो कंप्लीट करके एक एक पेज एक दिन में भेजेंगे। आज के लिए केवल हाथ सर्वोत्तम औषध है, इस पेज को भेजना है, बाकी पेज अपना कंप्लीट कीजिए, एक दिन एक पेज भेजिए। अगर आप एक दिन में सारा कंप्लीट करती हैं तो आप भेज सकती हैं, क्योंकि अभी सबके पास बुक नहीं है। बेटा आप लोग भी बुक खरीद लीजिए। तो ठीक है बेटा, आज का सेशन यही एंड करते हैं, फिर अगले सेशन मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।